सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आनंद भरी चैंपियन ट्रॉफी 2020 में 2020 का एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, डे फोर, और अब बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर पुण्याहून या ठिकाणी आमचे पंच म्हणून ज्यांनी खूप चांगलं काम संदीप कदम मेमोरियल कपमध्ये केलेले आहेत, 27 रनचं आगमन झालं, त्यांचं स्वागत आहे, वेलकम सर। आज पुण्याच्या संघाबरोबर ते आहेत आणि खूप चांगल्या प्रकारचं डिसिप्लिन असलेले अंपायर आज या आमच्या मंचावरती आहेत, त्यांचं स्वागत आहे। अंधबडीच्या माध्यमातून एक चांगली टुर्नामेंट आपल्याला बघायला मिळते, यूट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आत्तापर्यंत आमच्याबरोबर जोडले गेले त्या सर्वांचं स्वागत आहे। आणि यानंतर होणारा मॅच दोन मातब्बर संघासाठी अतिशय महत्त्वाचा असेल, रणबीर प्रतिष्ठान आणि मयूर स्पोर्ट मुंबई या दोन संघादरम्यान अतिशय महत्त्वाची लढाई आपण पाहणार आहोत। दुसऱ्या बाजूला बाहुबली या ठिकाणी दाखल झालेला आहे सुमित, आपलं स्वागत आहे। विराटचा एक छान असा खेळाडू ज्याने अंडरआर्ममधनं सुरुवात केली आणि बघता बघता टेनिस लेदर असा जबरदस्त प्रवास आणि त्याच्यामागे सुद्धा आता इंटरनॅशनलचं स्टिकर लागलेलं आहे। अनेक दिग्गज खेळाडू या ठिकाणी येत आहेत, कृष्णा सातपुतेचा मगाशी उल्लेख झालेला आहे, राहुल चोगाडेचा उल्लेख झालेला आहे, मैदानातला सामना देखील सुरू करणं फार गरजेचं आहे, त्यामुळे सामना सुरू होतोय, अत्यंत महत्त्वाचा सामना। या गेल्या 3 दिवसाचे जे आकडे बघितले तर पहिल्या दिवशी 2,35,000 प्रेक्षकांनी या स्पर्धेमध्ये चांगल्या प्रकारचं सहकार्य केलं होतं, ही स्पर्धा बघितली। कर्णबँड प्रतिष्ठानने टॉस जिंकलाय आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। मयूर स्पोर्ट मुंबई आणि कर्णबीर प्रतिष्ठान असा सामना मैदानामध्ये रंगतो आहे। शाही शेख पोहोचलाय मगाशी, त्याचाही उल्लेख झालेला आहे। जिशानला आपण बघू शकता, हे मोठे खेळाडू होते, एका बाजूला जर बघितलं तर काही अपकमिंग खेळाडू आपण दुसऱ्या बाजूला बघणार आहोत, ज्या पद्धतीनं एक चांगला खेळ आपण गेल्या 3 दिवसात अनुभवलेला आहे। पहिल्या दिवशी टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून 2,35,000, दुसऱ्या दिवशी 3,04,000, त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी 4,00,000, 9,39,000 प्रेक्षक 3 दिवसामध्ये या स्पर्धेशी जोडले गेलेले आहेत। ही सर्व आनंदवाडीची किमी आहे, आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळ, आनंदवाडी देवगड पुरस्कृत आनंदवाडी चॅम्पियन ट्रॉफी 2020 सतरावं वर्ष या ठिकाणी आणि आता मॅचला सुरुवात होते, जास्त वेळ जाणार नाही याची काळजी घ्या। कोकण पॅकर्स मुंबई संघामधून मॅन ऑफ द मॅचचा जो पुरस्कार आहे, सचिनला जातोय, सचिन आपण मंचावरती या, आपला सन्मान या ठिकाणी होतोय। नगराध्यक्ष प्रणालताई माने यांच्या शुभ हस्ते सन्मान होणार आहे सचिनचा, सचिनचा गौरव होतोय। देवगडच्या आंब्याची लज्जत भारी, त्याची चव लय न्यारी, दळते आहे सर्वांच्या जिभेवरी, याची खमंग चर्चा सर्वांच्या घरोघरी, टाळ मृदंग विणा हाती घेऊन विटूचा गजर होतो आहे हृदयांतरी, धुमधुमती आहे अवघी आनंदवाडी नगरी, क्रिकेटचा रंग भरला आहे देवगड शहरी, चॅम्पियन ट्रॉफी जिंकण्याची झाली तयारी, पाहूया कोण पडते कोणावर भारी। या स्पर्धेचा 4th दिवस, प्रेक्षकांची पुन्हा एकदा गर्दी वाढलेली आहे, सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीनं। सचिन कॉंग्रॅच्युलेशन, आपलं मनापासून अभिनंदन आहे, छान कामगिरी आपण केलेली आहे, या स्पर्धेत सहभागी झालात त्याबद्दल धन्यवाद। अभि मांजरेकर स्पोर्ट कणकवली, तुमचं मनापासून अभिनंदन आहे। आणि समालोचन कक्षासमोर जे प्रेक्षक आहेत किंवा खेळाडू आहेत त्यांना विनंती आहे, प्लीज एकतर डाव्या बाजूला जा किंवा उजव्या बाजूला। समालोचन कक्षासमोरचे जे प्रेक्षक आहेत, खेळाडू असतील तर खेळाडू आहेत त्यांना विनंती आहे, आपण प्लीज डाव्या बाजूला यायचं आहे। यानंतर मिसबा हॉलिडे कातळीचा संघ देखील दाखल झालेला आहे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का एक बार फिर हम स्वागत कर रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर अक्षय और सूरज, गेंदबाजी के बाद समझते हुए साहिल, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर चलता बात, दोनों तरफ से अगर देखें तो एक बार फिर एक बैटल देखने का मौका मिलेगा। स्ट्राइक रेट पर अक्षय, कॉम बॉक्स इन से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, साहिल की पहली गेंद, अच्छी गेंद ब्रॉकर में डालने की कोशिश, सुंदर गेंदबाजी, ज्यादा गति नहीं है लेकिन नींद अच्छा है, तालियां बज रही, सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ अक्षय का। मिसबा हॉलिडे कातली की टीम पहुंच चुकी है बड़े बड़े सितारों के साथ, रन संख्या 1 रन बगैर किसी नुकसान के, ओवर पहला प्रगति पर है। अभी बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि भिंदर का मैच कब है, तो दोस्तों एक मैच और इंतजार करना पड़ेगा आपको। इस मैच के बाद जो कि टेनिस क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी कृष्णा सातपुते मैदान के अंदर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार साहिल। मयूर स्पोर्ट मुंबई की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है, टॉस कर रणबीर प्रतिष्ठान ने जीत लिया,
और पहले मैच में शुरुआत इनकी अच्छी नहीं थी, खास करके जब बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज आए थे अगली गेंद के साथ। अब अब अगेन मिस टाइम स्ट्रोक है, सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, दैट शुड बी टेकन, यस इट इज गॉन, पहले विकेट का पतन होता हुआ और बल्लेबाज सूरज आज कुछ अच्छी पारी नहीं खेल पाए, वापस जाते हुए बैक टू द पवेलियन। अब एक बार फिर विकेट का सेलिब्रेशन हुआ मैदान के अंदर, तो इसका मतलब सुरभि का गाना आएगा, एक गाना सुनते और वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। ना स्कोर वन फॉर वन, पहले ओवर का खेल जारी। दर्शकों से एक बार फिर देखिए तो खचाखच भरा स्टेडियम है, कल ग्रैंड फिनाले हैं टूर्नामेंट का, क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो कल चलने वाला है। और सुमित ढेकल के साथ देखिए सेल्फी बहुत सारे दर्शक लेते हुए, और टप्पा ऑफ टम के बाहर है। एक बार फिर वाइड यॉर्कर की कोशिश, सुंदर गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी साहिल द्वारा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर इनका एक्शन देखे, जिस तरह से आप गेंदबाजी कर रहे हैं, खास करके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर पहले ओवर में साहिल। छोटी गेंद सुंदर तरीके से वेट किया और पुल किया, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए अंपायर की तरफ से चार रनों का इस बार इशारा होता हुआ, खराब गेंद थी सही नसीहत देते हुए, और टाइमिंग बढ़िया है, पोजिशन बहुत ही सुंदर है, बॉटरमैन का इस्तेमाल भी बहुत ही बढ़िया है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए चार रनों के लिए। नाउ स्कोर फाइव फ्लॉस फोर विकेट, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। आज का दिन बहुत अहम है सबके लिए, खास करके यहां से चौथी टीम जो है कौन सी जाएगी, कौन सी टीम क्वालिफाई करने वाली है। पहला दिन बहुत अच्छा रहा है किंग्स ऑफ अतः के लिए, दूसरा दिन सीपट रेडी के लिए, तीसरा दिन रन झुंझार प्रतीक पुणे की टीम जो कि खेल रही है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छा शॉट पैड पर फ्लिक किया ऑन साइड पर, खिलाड़ी बॉडी पर मौजूद है, सुंदर फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ऑन साइड पर, एक रन का इजाफा सिंगल के साथ, रन संख्या 6 रन, एक विकेट के नुकसान पर। राकेश और अक्षय पारी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, गुलाबी ठंडी पड़ेली है जी मुंबई में सुधा मोट्या प्रमाण में बगतो, तशाच पद्धति कोकणा में सुधा ठंडी अपन बगतो है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज साहिल तैयार है, कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करते हैं ऑन साइड पर, मिडॉन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, और टप्पा खाने के बाद एक बार फिर थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को घुटना टेक तमाशा देख स्वीप करने की कोशिश, गेंद बॉल की तरफ जाती हुई, चार रन मिलेंगे, सुरभि का गाना आएगा, बहुत ही खराब फील्डिंग होती है स्क्वायर लेग पर। आफ्टर वन ओवर थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई है, थोड़ा आउटफील्ड का फायदा मिला, जिस तरह से स्क्वायर लेग पर गेंद अचानक उठी थी, और बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज राकेश 4 पर, अक्षय 6 पर, और एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला पुणे ने लिया था, कन्नबीर प्रतिष्ठान की टीम एक बहुत ही अच्छी टीम है, संतुलित टीम है और एक अच्छा माहौल बना हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, लेकिन एक बार फिर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, एक मीठा सुपर हिट गाना सुनते हैं और वापस आते हैं, चलते हैं सुरभि के पास। खिलाड़ी का स्वागत है, आनंदबाड़ी चैंपियन ट्रॉफी 17वां साल, बेमिसाल कमाल, कल का दिन यादगार शानदार दमदार था। आज देखिए धीरे धीरे क्रिकेट का रंग जो है बदलने वाला है, इस खेल को रंग जो कि चढ़ने वाला है अगली गेंद के साथ।
ओ ये अच्छी गेंद थी, खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा। अमुन निलगुड़े गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। हमारे साथ प्रकाश जुड़ चुके हैं, प्रकाश पराड़कर, टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखने की कोशिश, और पिछले 3-4 दिनों में बहुत अच्छा काम हुआ है। नाउ स्कोर 10 प्लस 1 विकेट एंड सेकंड इन प्रोग्रेस, अक्षय प्लेइंग ऑन 6 एंड राकेश प्लेइंग ऑन 4। कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी मौजूद, एक पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी है। पुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए, इस पर ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। गेंद एक बार फिर वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ नेल्सन आंकड़ा आता हुआ, रन संख्या 11 रन नेल्सन आंकड़ा। डिकी बर्ड अगर ये आंकड़ा देखते तो एक बार फिर थोड़ा सा हवा में उछल जाते, तो इनके लिए एक अलग एक्शन था, एक बार फिर रिएक्शन होती थी। ये नेल्सन आंकड़ा है, 26-11 को कौन बोल सकता है। हमारे पुलिस कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया था, ताज पर हमला हुआ था। रन संख्या 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर है। चेतन तायशेटे फ्रॉम अमेरिका से, और इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि बॉल अच्छे हैं, खेल अच्छा चल रहा है। तो विघ्नेश के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैच को पकड़ के रखा है, मतलब कैमरा वर्क बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 13 फ्लॉस ऑफ 1 विकेट, सारी चीजें क्लीन और क्लियर हो रही है, एक बार फिर रिएक्शन आ रहे हैं। देखिए आप अपनी चीजों को अच्छा करें तो अच्छी बात नहीं है, बाहर से कोई बताए कि ये अच्छा हो रहा है तो बेटर बात है, बहुत ही बेस्ट बात है। ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है, और ये ओ अंदर भी हाथ में आई थी, वहां से फिसल चुकी है। रंतन केसी के साथ 15 रन, एक विकेट के नुकसान पर। मिसबा हॉलिडे यंग बॉयज कुडाल के बीच मुकाबला था, उसमें मिसबा हॉलिडे की टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन यंग बॉयज कुडाल की टीम सही समय पर हमारे साथ नहीं जुड़ चुकी है, इसलिए इस मैच में मिसबा हॉलिडे को थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिला है। बाय 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 मिले हैं, और टॉस भी होगा उसके बाद में। अभी मांजरेकर टीम के कप्तान को मैं विनती करूंगा हमारे कॉम्बॉस में आए, और मिसबा के कप्तान, मिसबा हॉलिडे के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आपको भी हमारे टॉस बॉक्स की तरफ आना है। नाउ स्कोर 15 फ्लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ऑन प्रोग्रेस। इस ओवर की कहानी देखिए तो बिंदी गेंद के साथ शुरुआत, उसके बाद में सिंगल डबल डबल सिंगल, और अमोल का ये ओवर थोड़ा सा बेहतर साबित होता है बल्लेबाजों के लिए। कोई चौका नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए थोड़ा भाग्य का साथ मिला है। फ्लाइंग स्लिप के साथ एक गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद, खराब गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, फुल टॉस थी, विकेट के सामने पाए गए बल्लेबाज। अक्षय की पारी समाप्त होती हुई, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, छोटी पारी खेली, साझेदारी बन रहे थे, पॉजिटिव लग रहे थे, इस बार खराब शॉट खेल के वापस जाते हुए अक्षय बैक टू द पैवेलियन, और सेलिब्रेशन के लिए गाना भी आएगा। स्पोर्ट के कप्तान को गुजारिश है, चलिए हमारे कॉम्बॉक्स से राइट साइड की तरफ आइए, और उत्तम मुणगेकर, किशोर कुबल इनको मिलिए, और उसके साथ यंग बॉयज कुडाल की टीम आज इस टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाई है, तो मिसबा हॉलिडे को बाय मिली है आगे बढ़ने का मौका। नाउ स्कोर 16 फ्लॉस ऑफ 2 विकेट। ओवर की बात करें तो 2 ओवर का खेल समाप्त, 12 की तो 16 रन बने हैं इस मैच में। कम से कम आपको 4 ओवर में 60 के आसपास, 55 के ऊपर या 50 के ऊपर रन बनाने होंगे। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला कर्णवीर प्रतिष्ठा ने लिया है, लेकिन दूसरी तरफ से मयूर स्पोर्ट मुंबई के पास भी क्षमता वाले खिलाड़ी है राकेश, और अब धनंजय को मौका मिलेगा। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए धनंजय, राकेश अपने 9 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदों का सामना किया है। कौन बनेगा हीरो, कौन बनेगा जीरो, किसका दिखेगा हुनर, कौन बनेगा विनर, बढ़ गई दिलचस्पी काफी। कौन लेके जाएगा ये आनंदवाड़ी चैंपियन की ट्रॉफी, किसके किसको मिलेंगे सबसे ज्यादा लाइक, और कौन लेके जाएगा ये खूबसूरत ब्रांडेड बाइक। स्पॉन्सर है सहदेव शेठ बापरडेकर मालवन। नाउ स्कोर 16 फ्लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार,
गजानन गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइकरियन पर बल्लेबाज, बल्लेबाज करेंगे राकेश प्रकाश, अच्छी जानकारी देते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऊपर बहुत ऊपर जाते हुए गेंद, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ भाग रहे, लेकिन नो मैट लैंड में गिरने वाली गेंद है, दो रन लेने का मौका मिलेगा। अच्छी गेंद थी गजानन की, फुटवर्क अच्छा नहीं था, आगे खेलने की जरूरत थी, थोड़ा सा पीछे खेले हैं और बहुत सारी चीजें इस वक्त जो कि एक बार फिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुरभि, सुरभि लाइट्स, सुरभि स्क्रीन, सुरभि एक बार फिर वो डीजे, मधुर संगीत आप सुन रहे हैं। 18 वेलोसिटी टू विकेट, तीसरे ओवर का खेल जारी है, अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद है इस मैच का मजा लेते हुए। अच्छी गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, लेंथ अच्छी है, लाइन अच्छी है, मैच को पकड़ कर रखा है। पहले दो ओवर में 16 बने थे, इस ओवर की कहानी देखें तो इस ओवर में दूसरी गेंद पर बिंदी की मोहर लगी है, पहली गेंद पर दो और राकेश अपने 11 के ऊपर खेल रहे, डबल फिगर में पहुंच चुके हैं। धनंजय ने अपना खाता नहीं खोला है। गजानन क्या इस मैच में एक बार फिर संकट मोचक साबित होते हैं, देखने वाली बात, क्या एक बार फिर विकेट लेके मैच में वापस आते हैं। रन रेट दो ओवर में 8 का है, विकेट गिरेंगे तो एक बार फिर औसत थोड़ा नीचे आता है, रन रेट जो है थोड़ा धीमा हो जाता है। इस मैच में रनों की भूख को बढ़ाना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है, समय के अनुसार आपको बल्लेबाजी करनी होगी। अगली गेंद के साथ बहुत चीकी शॉट, 4 रन कारगर साबित होते हुए, मैग्निफिसेंट शॉट राकेश जी के, इनके पास ताकत है, इनके पास नजाकत है, यह नजाकत भरा शॉट बल्लेबाज द्वारा, थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर चले गए। एक बार फिर दोबारा देखिए, सुंदर गेंदबाज के गति का अच्छा इस्तेमाल और गेंद सीधी फाइन लेग बॉडी की तरफ जाते, फाइन खेलते हुए फाइन शॉट, एक्सलेंट शॉट फ्रॉम द बैट्समैन, नाउ स्कोर मोर देन 22 फॉर लॉस ऑफ टू विकेट एंड थ्रो रन इन प्रोग्रेस, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय राकेश, ही इज प्लेइंग ऑन 15 फेसिंग 7 डिलीवरी। इस वक्त अगर देखे तो बल्ला बोल रहा है बल्लेबाज का, कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए सार्थक हमारे साथ जुड़ चुके, अपडेट आपको दे रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज का बल्ला बोल रहा है डीजे, नुकसान पर देखिए बहुत सारी चीजें, खास करके आप देखिए डीप स्क्वेयर लेग पर, वहां भी जलवा जारी है, बल्लेबाज अपना जलवा दिखा रहे हैं, स्क्वेयर लेग पर जो दर्शक वो अपना जलवा दिखा रहे हैं, कैमरा उधर भी जाएगा, एक बार फिर हमारे जो कैमरामैन है खास करके विघ्नेश दुले वहां भी जाएंगे, लेकिन सही वक्त पर जाएंगे, ये सारा नजारा देखने का मौका सबको मिलेगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट टम ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते गजानन दूर वाले एंड से ओ टप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को घूमकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क, थ्रो हुआ है और एक ही रन मिलेगा, अच्छा कवर किया, अच्छा बैकअप किया, देखिए एक बार फिर आप देख सकते हैं और अंपायर की तरफ से लेग बैक का इशारा, गेंद और बल्ले के बीच कुछ अच्छा संपर्क नहीं हुआ था, टप्पा खाने के बाद ऑफ टर्म के बाहर से अंदर की तरफ आते हुए गेंद को बल्लेबाज भाप नहीं पाए, नाउ स्कोर 27 फॉर ऑफ टू विकेट। राकेश इरमाली, सार्थक, विघ्नेश टुले, ये तीन हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं टेनिस क्रिकेट के, जो आप कैमरे के पीछे देख सकते हैं, पर्दे के पीछे वाले खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा काम करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट, गजानन की अगली गेंद, फुल टॉस है, गेंद स्क्वायर लेग की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद, क्या रोक पाएंगे, बिल्कुल रोक पाएंगे, एक किरण के साथ संतुष्ट के दूसरी एंड पर जो खिलाड़ी है वो भाग रहे थे, स्ट्राइकर के खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर की तरफ आना चाहते हैं, दूसरे की मांग हो रही थी, लेकिन एक बार फिर मुझे वो अनु मलिक का गाना याद आया, अनु मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, रुकने की जरूरत है। रन संख्या 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अब एक बार फिर सुरभि का गाना आएगा और जलवा जारी रहेगा। चलिए ये भी देखिए, ये नजारा देखिए, थैंक यू डीजे, डांस फॉर्म कौन सा है मालूम नहीं, लेकिन नाच रहे सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल देखिए
इतना जाड़ा है तो किसी को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें तो चाहिए। नाउ स्कोर 28 फॉर लॉस आफ्टर 2 विकेट। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 9.33 के औसत से रन बन रहे हैं। गेंदबाजी में क्या एक बार फिर परिवर्तनों का, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अमोल बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की अगर बात करें तो धनंजय अभी तक इनका बल्ला खामोश है, ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, केवल एक गेंद का सामना किया इन्होंने कॉम्पॉक्स एंड से गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद के साथ सुंदर गेंद ब्रॉक होल में डालने की कोशिश, ऑन द टोस गेंदबाजी करेंगे, ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ जाते मित्या जी के साथ इस बार 2 रन मुकम्मल किया। तीसरे के वापस जरूर आ सकते, खराब फील्डिंग हुई है, 3 रन के 7 रन संख्या बढ़ती हुई, मिसफील्ड वॉइस का फायदा उठाते हुए, खराब फील्डिंग, डूबते को तिनके का सारा, उसी तरह से गेंदबाज को फील्डर का सारा बनना चाहिए तब जाकर बात बनेगी। एक तरफ बल्लेबाज को अपने ऑफ टाइम का पता होना चाहिए तो एक बार फिर गेंदबाज को अपने फील्डर का, हाँ, इसका पता होना चाहिए। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करने की जरूरत है। गेंद अच्छी थी, शॉट अच्छा नहीं था, फील्डिंग खराब थी और परिणाम 3 रन आए, 31 रन 3 2 विकेट के नुकसान पर। धनंजय 4 पर, राकेश अपने 19 के ऊपर एक अच्छी पारी खेलते हुए, सूझबूझ के साथ पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। अगली गेंद के साथ एक बार फिर तैयार, ओ काफी ऑफ टाइम के बाहर चले गए थे, ज्यादा उछाल नहीं था, स्टंप के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए ज्यादा फाइन, जो कि इस बार फाइन की तरफ खेलने की कोशिश किया, स्क्वेली की तरफ उड़ाना चाहते थे तारामंडल में, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कुछ अच्छा संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर 3, दूसरी गेंद पर बिंदी की मोहर लगी है, एक अच्छा माहौल यहां देख रहे, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट बीच मैदान पर चलती हुई और बैटर चल रहा है, गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष देखते हुए अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद है, इस मैच का मजा लेते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सुंदर शॉट ऑन साइड की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, स्क्वेयर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिर, इस बार कोई गलती नहीं है, नितिन की अच्छी फील्डिंग, रन संख्या 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 बार गलतियां हुई थी जिस तरह से हमने देखा कि इस इनिंग में जो आपने इसी बीच जो डिप स्क्वेयर लेग का खिलाड़ी मिड विकेट का खिलाड़ी है, थोड़ी सी तालमेल में कमी आई थी, कुछ अच्छी कॉलिंग नहीं थी, खराब फील्डिंग के कारण 3 रन बने थे, रन संख्या 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर चंद्रा चौथा, 5 ओवर का मैच है तो थोड़ा एक्सीलिटी के ऊपर पैर रखने की जरूरत है बल्लेबाजों को। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर गेंद और आप लोग फॉलो थ्रू में बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, सेलिब्रेशन हो रहा है तो बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ निराश मन के साथ आ रहे हैं, क्या लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाज वापस जाएंगे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कैच अपने फॉलो थ्रू में, शरीर से दूर खेले थे इसीलिए हवा में गेंद थी, 2 मिनट के लिए लगा था कि क्या गेंद टपका के आई है, लेकिन एक बार फिर हवा में गेंद है, बहुत सुंदर अंपायरिंग। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर सुरभि का गाना आएगा, तब तक एक ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आते, चर्चा जारी रहेगी। तक 1.4 ओवर में 10 रन खर्च किए, 2 सफलता अर्जित किए, सफल गेंदबाज है, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, सुपर बॉलिंग। नाउ स्कोर द 32 फॉर लॉस आफ्टर 3 विकेट। पासी को थोड़ा ऊपर आने की जरूरत है, असली हीरे की परख जोरी का होते, वही काम कप्तान का है, सही जगह पर लगाएंगे तो बात बनेगी। ये ऐसे खिलाड़ी है अगर 10-12 या एक बार भी 12 से ज्यादा गेंदे मिलती है तो कम से कम 4-5 बड़े शॉट खेल सकते हैं। मैच विनिंग खिलाड़ी है, इनको थोड़ा ऊपर भेजने की जरूरत थी, थोड़ा देर से इस बार जरूर भेजा है खास करके कप्तान ने। रन संख्या 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए अमोल तैयार, सामना करेंगे वासिक, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है और अमोल का फॉर्म देखिए बहुत अच्छा है, रिदम में है, लय सुर ताल सब कुछ बहुत अच्छा बनता हुआ। और देखिए आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने से अच्छी फील्डिंग हो रही है, विकेट मिल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाता है। ब्रॉकोल में गेंदबाजी, ये इनका ब्रह्मास्त्र है, अभी तक गेंदबाजी किए तो ऑन द टोज किए हैं, जब जब बल्लेबाज थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर आए शफल होते तब आप ये कोशिश करते हैं, वाइट यॉर्कर की कोशिश हो सकती है, जड़ में डालने की कोशिश हो सकती है, लेकिन वो कंट्रोल होना चाहिए, वो कंट्रोल में देख रहा हूं,
रफ्तार ज्यादा नहीं है लेकिन कंट्रोल बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी बात, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा एंगल भी बन रहा है। वासिक खामोश इस गेंद पर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। क्लीन बोल्ड, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, बड़ा शिकार कर दिया, चौथे विकेट का पतन। वासिक डिपार्ट और वासिक बैक टू द पवेलियन, 32 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। लुक एट द डिलीवरी, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। काफी ऑफ टाइम के बाहर थे, पहली ब्रोकोल में थी, उसके बाद में एक बार फिर थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद नीचे रही है। सुरभि का गाना आएगा, चर्चा जारी रहेगी। गुप्त मैग्निफिसेंट बॉलिंग जल सिंह, अगर बात करें तो शुरुआत अच्छी हुई, इसके बाद में वाइट बॉल थोड़ा सा फिसले हैं। अंपायर देख रहे कहां से कहां परेशानियां हैं। एक बार फिर फिलहाल जो कि खिलाड़ी अपने बॉलिंग पार पर जाएंगे। सिमेंट की विकेट है ना, स्कोर 34 फॉर 4 विकेट। राकेश प्लेइंग 21 न्यू मैन इन प्रशांत, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। की तरफ है, पीछे खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे, लेकिन अंपायर को थोड़ा एक बार फिर हमारी तरफ बनना होगा। व्हाइट बॉल का इशारा। इस मैच में जो अमोल ने गेंदबाजी की है, 2 ओवर में 10 रन 3 सफलता, वो प्रेशर इन्होंने बनाया है, क्या बरकरार रखने में कामयाब होंगे? एक बार फिर जल सिंह, ये देखने वाली बात है। दो गेंदों की अगर बात करें तो काफी लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेंथ अच्छी नहीं है, इसलिए देखिए लाइन लेंथ पर निर्भर रहने की जरूरत है। जिस तरह से मुकाबला, जिस तरह से मैच चल रहा है, प्रेशर जो है, दबाव जो है बल्लेबाजों के ऊपर है। और पिछले 2-3 मतलब जो 3-4 गेंदों की अगर बात करें तो कोई बड़ा शॉट नहीं आया है। जल सिंह स्ट्रगल कर रहे हैं, अब एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज राकेश, सेट बल्लेबाज है, अब मजा आएगा। राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, बाहरी किनारा, गेंद गली की तरफ जाते हुए एक रन मिलेगा क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? सेट बल्लेबाज भी देखे इस बार, जो कि बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे, फुल टॉस गेंद थी, इसका फायदा नहीं उठा पाए, एक रन का इजाफा, 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। निर्णायक ओवर, आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर बीच मैदान पर चलता हुआ। वाइड यॉर्कर की ही कोशिश हो रही है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज प्रशांत, जो कि स्ट्राइकर इन पर है,
प्रशांत शुक्ला ऑलराउंडर खिलाड़ी, धीमी रफ्तार की गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, प्रभावी गेंदबाजी पहले मैच में इन्होंने की है। इस बार उड़ाया में खूबसूरती के साथ गेंदबाज की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने, दर्शक स्ट्रोक और इसकी बहुत जरूरत थी। सुरभि का गाना और बल्लेबाज का ये बहुत ही खूबसूरत छक्का, आपका आना। और ओ फुलासा फोर विकेट, देखते इस पर स्क्रीन पर क्या हो रहा है। एक बार फिर बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है, बैटिंग चल रहा है, फुल टॉस गेंद थी, इसका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पा रहे हैं और टाइमिंग अच्छी थी, स्क्वेयर लेग पर कैच ऑलरेडी जो कि पकड़ चुके हैं। सबकी निगाहें इस डिसीजन के ऊपर, कुछ देर के लिए खेद रुका हुआ है और ये देखिए जिस तरह से ये गेंद थी, तो एक बार फिर अंपायर देख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देगी, थर्ड अंपायर का इशारा होता हुआ और थर्ड अंपायर देख रहे हैं, टिक 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 ये आवाज और तो बिल्कुल इस वक्त ये बीमर गेंद नहीं, अंपायर का इशारा होता हुआ, इसका मतलब ये रेफरल लिया गया था, रिव्यू लिया गया था, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, शॉट खराब था, फुल टॉस गेंद थी, इसका फायदा उठाने की जरूरत थी, बड़ा शॉट खेलने की जरूरत, इससे पहले एक बहुत अच्छा शॉट प्रशांत शुक्ला का आया था। Now score 44 पांचवा विकेट। एक बार फिर सुरभि का गाना आएगा, एक बार फिर माहौल थोड़ा बेहतर करेंगे। सुरभि आइए, खिलाड़ियों का स्वागत है आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी डे फोर मैच बीच मैदान पर अगर देखें तो जल सिंह के लिए सफलता मिली है 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर संदीप कदम, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद सुंदर तरीके से बाहर उठाकर खेलेंगे, स्क्वायर लेग बॉलिंग की तरफ जाते भी अंपायर की तरफ से 6 रनों का इजाफा होगा, मैग्निफिसेंट शॉट, तालियां बजाने का मौका और सुरभि का गाना आएगा डीजे।
आखिरी ओवर प्रगति पर है, 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट बल्लेबाज राकेश द्वारा। नेक्स्ट मैच का टॉस एक बार फिर मिस्बा हॉलिडे के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, और अभी मांजरे के स्पोर्ट कनकवली के कप्तान, नई गेंद मैदान के अंदर चाहिए, और 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर। खराब गेंदती एक बार फिर लेग स्टंप की तरफ, और इसके ऊपर प्रहार किया है बल्लेबाज ने, और भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। नाउ स्कोर 50 फॉर 5 विकेट। जल सिंह थोड़ा महंगा साबित होते हुए इस ओवर में, निर्णायक ओवर में। ये भी फुल टॉस गेंदती, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए, सीधी लेग स्टंप के ऊपर गेंद टकराती हुई, और इसका मतलब है कि और एक जो कि बड़ा विकेट मिलेगा। रन संख्या 50 जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है। 5 ओवर का खेल समाप्त होता, एक बार फिर ये गेंद देखिए, फुल टॉस थी, इसका फायदा नहीं उठा पाए, खराब गेंद थी, इससे पहले बहुत अच्छा शॉट, और अब जाकर 50 बने हैं, टारगेट के बाद 51 रनों की जरूरत है। तो एक बार बल्लेबाजों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उससे पहले एक बार भी देख सकते हैं जिस तरह से ये टूर्नामेंट तो बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। और मयूर स्पोर्ट अक्षय जिन्होंने 7 रन बनाए थे, सूरज गेम ने खाता नहीं खुला था, राकेश ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 28 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया, धनंजय के 4, बाकी अगर देखे तो 0, 4, 7, 7, ये कोई टेलीफोन नंबर नहीं है। इस मैच में राकेश की बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, 28 रन, मैग्निफिसेंट इनिंग। साहिल एक ओवर की बात करें, 1 ओवर में 10 रन, अमोल ने 2 ओवर में 10 रन, 3 सफलता, सफल गेंदबाज गजानन 1 ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं है। जल सिंह महंगे साबित हुए, 1 ओवर 18 रन, 2 सफलता जरूर मिली, लेकिन तब तक ये महंगे साबित हुए थे। तो इस तरह से बीच मैदान पर जो मुकाबला चल रहा, बीच मैदान पर एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। इस मैच की जो कहानी दूसरे पड़ाव की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। त्याचबरोबर या ठिकाणी धनी केदारलिंग मंडळ लांजा यांच्या वतीनं भव्य ओपन क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे। टेनिस बॉलची क्रिकेटची स्पर्धा आहे, लाख मोलाची स्पर्धा आपण बघणार आहोत, 1,11,111 रुपये पारितोषिक आहे, त्याचबरोबर 55,555 रुपये पारितोषिक आहे। मॅन ऑफ द सिरीजसाठी सोन्याची अंगठी ठेवण्यात आलेली आहे, आणि स्पर्धेचा कालावधी 25/1/2020 ते 19/5/2020 असा आहे। ज्यांना कोणाला सहभाग नोंदवायचा असेल त्यांनी लगेचच संयोजन समिती केदारलिंग पटांगण ग्रुपवाडी येथे होणारी स्पर्धा आहे, तर तिथे आपण निश्चितच संपर्क साधायचा आहे। 1,11,111 स्पर्धेचं पारितोषिक। दुसरा पडाव अतिशय महत्त्वाचा आहे, त्याचबरोबर वसंत विजय आपण हॉटेल बघतोय, निश्चितच ती एक ॲड आपण बघतोय, त्यानंतर उजव्या बाजूला टॉससाठी जातो आहे। अभी मांजरेकर स्पोर्ट कणकवली आणि मिस्बा हॉलिडे, चला टॉससाठी मिस्बा हॉलिडे कातळी संघाच्या संघाने केलं विनंती, चला टॉससाठी यायचं आहे। कातळीचा संघ नाही काय का आहे मला वाटतं, अभी मांजरेकर स्पोर्ट, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार फिर इस मैच में बल्लेबाज को थोड़ी जान डालनी होगी, एक बहुत अच्छा टोटल बना हुआ है, क्या अच्छा बैटल बनेगा, इस कहानी को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन पर। धन्यवाद प्रशांत जी आदवडे, टॉससाठी यायचं आहे। कॅप्टन अभि मांजरेकर स्पोर्ट्स कणकवली, कॅप्टन उपस्थित आहे मिस्बा हॉलिडेज कातळीचा, तर अभि मांजरेकर स्पोर्ट्स कणकवली टीमचा कॅप्टन लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला तुम्हाला यायचं आहे, मुख्य व्यासपीठाच्या जवळ, तिथे टॉस केला जाईल यानंतरची मॅच। चला बॅट्समन पाठवा, कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणे, 51 रनचं टार्गेट या मॅचमध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे, जो संघ जिंकेल तो मात्र क्वार्टर फायनलमध्ये दाखल होईल दुसरी मॅच जिंकून। यानंतर सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय, श्रीकांत अण्णा घेवारी यांचा सत्कार, आनंदवाडीचे ज्येष्ठ सुप्रसिद्ध मच्छीमार देवदत्त कोयंडे यांच्या शुभ हस्ते इथे केला जाईल। श्रीकांत अण्णा घेवारी यांचा सन्मान, आनंदवाडीचे ज्येष्ठ सुप्रसिद्ध मच्छीमार
श्री देवदत्त कोयंडे यांच्या शुभ हस्ते आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. स्वागत आहे आपलं श्रीकांत अण्णा घेवारी साहेब या स्पर्धेमध्ये. टार्गेट या मॅचमध्ये ठेवण्यात आले 51 रनच. 5 ओव्हरची मॅच आहे. 10.20 च्या सरासरीने इथे टार्गेट कंप्लीट करायचंय बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. अभी मांजरेकर स्पोर्ट्स कणकवलीचा देखील कॅप्टन आलेला आहे. अंपायर अल्मेडा, टॉसची प्रक्रिया तुम्हाला कंप्लीट करायची आहे. सर्वप्रथम आयोजकांशी संपर्क साधा किशोर कोबल यांच्याशी. एक्कावन्न रनचं लक्ष आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलागादा करण्यासाठी दोन ओपनर्स ग्राउंडवर जाऊन पोहोचलेले आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय बॅट्समन अमर आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अमोल. अमर आणि अमोल, अमोल ढोपरीच्या बॅटमधून पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर खणखणीत चौकार येतोय. चौकाराने श्री गणेशा इथे होत असताना टीम कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणेचा या मॅच मध्ये वेगळा दमखम इथे दाखवलाय. पहिल्याच बॉलवर अमर ढोपरीच्या बॅट मधून स्ट्रोक पा, स्विच हिट केला, बॉल पाठवलाय बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, 4 रन साठी चौकार. खूप चांगलं कॅमेरा वर्क आपल्याला पाहायला मिळत आहे आमचे कॅमेरामॅन विघ्नेश धुळे. आता बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर कडून थोडीशी चूक होते, रन इथे मिळणार नाही. एक डॉट बॉल. प्रत्येक ओव्हरमध्ये 10.20 ही सरासरी ते गाठायची आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला, कर्णवीर प्रतिष्ठानला. महत्वपूर्ण मॅच, जो संघ जिंकेल तो जाईल क्वार्टर फायनलमध्ये आणि त्यानंतर शेवटची मॅच असेल ती आजच्या रात्रीतली. बॉल तयार, शॉर्ट बॉल आउटसाइड द ऑफस्टम्पचा बॉल, मिडविकेटला खेळण्याचा प्रयत्न, एज घेऊन सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. विकेट गमवली आहे अमर ढोपरीने. 4 रन कंप्लीट केल्या 3 बॉलचा खेळ संपन्न होत असताना. आता मात्र कुठली चूक करत नाहीयेत विकेट किपर संदीप. ऍक्शन रिप्ले या विकेटचा आपल्या स्क्रीनवर. कल्पेशचं हे पहिलं षटक. उंचपुराचा बॉलर आहे कल्पेश आणि या तिसऱ्या बॉलवर पहा ही मिळवलेली विकेट. शॉर्ट ऑफ गुडलेन बॉल होता, ऑफसाईडचा बॉल ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न विकेट किपरने घेतली कॅच संदीपने आणि त्यानंतर जी चूक केली होती ती आता परत होणार नाही हे सांगणारं त्याचं सेलिब्रेशन. रन होत्या 4, विकेट गमावली 1, टीम कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणे. नवीन बॅट्समन आता मैदानामध्ये येतोय जलसिंग. नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये आलाय जलसिंग. कोल्हापूरचा हा खेळाडू आहे. या टीममध्ये कर्णवीर प्रतिष्ठानमध्ये कोल्हापूर कराड परिसरातील खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आलेत. तर जलसिंग हा कोल्हापूरवरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय. शबीर भाई यांच्या गावातून, डीजे सुरबी यांच्या गावातून रन झाले स्कोरबोर्डवर 4. पाहूया जलसिंग कशा पद्धतीने बॅटिंग करतोय. अमोल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, कल्पेश पहिलं षटक हाताळत असताना या मॅचमध्ये मयूर स्पोर्ट्स मुंबईकडून कल्पेशच्या खात्यामध्ये पहिली विकेट. बॅट्समनला आउट केलं होतं त्याने अगोदरच्या बॉलवर. अमर ढोपरी तिथे आउट झाला होता. बॉल तयार, ओवर द विकेट. ऑन साईडला ड्राईव्ह केला, डीपमध्ये फिल्डर आहे, जोपर्यंत जाईल वासिक बॉलपर्यंत 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. थोडंसं फंबलिंग तिथे होईल, 2 रन घेण्याचा प्रयत्न होतोय. 2 रनने इथे खातं उघडलं जात आहे बॅट्समन जलसिंगचं आणि डबल बरोबर रन झाले स्कोरबोर्डवर 6. 1-1 रन महत्वाचे या मॅचमध्ये. ऑन साईडला आउटफील्डमध्ये थोडासा व्यत्यय आला, तिथे अतिशय चांगल्या पद्धतीने 2 रन कंप्लीट केल्या जातात. डबल बरोबर रन झाल्या 6. 10.20 सरासरीने इथे रन करायचे आहेत. पुन्हा एकदा एक ओवर पिच बॉल होता, ऑफ ड्राईव्ह केलाय शॉर्ट कव्हरच्या दिशेने. मिड ऑफचा खेळाडू जोपर्यंत जाईल तोपर्यंत 1 रन इथे कंप्लीट होते. बॅट्समन जलसिंग जातोय 3 वर. रन होत आहे स्कोरबोर्डवर आतापर्यंत 7.
यानंतरच्या मॅचचा टॉस अल्मेडा यांच्या शुभ हस्ते झालाय. अभि मांजरेकर स्पोर्ट्स कणकवलीने टॉस जिंकलाय. जो काही निर्णय आहे अभि मांजरेकर स्पोर्ट्स कणकवली लवकरात लवकर पोहोचवायचा आहे. आयोजक सांगतायत मॅच होईल 5 ओव्हरची आणि मिसबा हॉलिडेज कातळी टीमची लिस्ट आमच्या कॉमेंटरी बॉक्समध्ये तुम्हाला लवकरात लवकर द्यायची आहे. मिसबा हॉलिडेज कातळी प्लेइंग लिस्ट. फुलटोस बॉल फटका हवेत आहे मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. एक दैदिप्यमान येतोय षटकार. बॉल सीमा पार अमोलच्या पॅटमधून पहिला षटकार. असाच जर खेळ केला तर मला वाटतं 4 ओव्हर पुरेसे आहेत रन कम्प्लीट करण्यासाठी, कारण फक्त 51 रनचं लक्ष आहे या मॅचमध्ये. परंतु आता संदीप मेंढी यांच्या टीमला काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. सेकंड ओव्हरमध्ये येतोय सलमान शेख सेकंड ओव्हरमध्ये बॉलिंग करण्यासाठी. शेवटचा बॉल थोडासा खराब टाकला कल्पेशने आणि त्याच्यावर तुटून पडला बॅट्समन अमोल जलसिंग. आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल ज्या जलसिंगने आतापर्यंत 3 रन कम्प्लीट केलेत आपल्या टीमसाठी. आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळ आयोजित आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुम्ही अनुभवताय 2020चा क्रिकेटचा महासंग्राम. फटका हवेत आहे स्वतः बॉलर बॉलच्या खाली येतोय आणि जलसिंग बॅक टू द पॅव्हिलियन. आणखीन एक हादरा बसतोय टीमला. दुसरा झटका इथे बसलाय कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणेला. अभि मांजरेकर स्पोर्ट्स कणकवलीने टॉस जिंकलाय आणि नेक्स्ट मॅचमध्ये बॉलिंग करण्याचा निर्णय. फिल्डिंग करताना दिसतील आणि ही विकेट आपल्या स्क्रीनवर जलसिंगची. जो कोल्हापूरचा खेळाडू होता तो आउट होतोय सलमान शेखच्या पहिल्याच बॉलवर. पहिलं यश त्याच्या खात्यामध्ये. चांगली बॉलिंग. थँक्यू डीजे सुरभी. 13 वर दुसरी विकेट इथे गमवली. 13 अशुभ आकडा आपल्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतो आणि या अशुभ आकड्याचा शिकार इथे ठरला बॅट्समन मैदानामध्ये. खूप मोठी विकेट जलसिंग इथे आउट होत असताना कोल्हापूरचा खेळाडू आता मात्र पॅव्हिलियनच्या दिशेने. नवीन बॅट्समन इंजमाम आता ग्राउंडवर चाललाय. उंची चांगली आहे इंजमामकडे. बॅटिंग चांगली करावी लागेल. आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय बॅट्समन मैदानामध्ये अमोल. ज्या अमोलने मगाशी एक षटकार ठोकला लेफ्ट हँडेड बॅट्समन नेहमीच आक्रमक असतात. आता पाहूया या मॅचमध्ये या ओव्हरमध्ये कशा पद्धतीने तो बॅटिंग करतोय. ओव्हर द विकेट हा बॉल एक्स्ट्रा कव्हरला ठोकलाय. अतिशय क्रॅकिंग स्ट्रोक. बॉल सीमा पार. हालायची आवश्यकता नाही फक्त बॉल हालेल. बॉल सीमा पार जातो आणि हा चौकार. 17 रन. 13 वर होता स्कोर कार्ड. या कवर ड्राईव्हने रन होता स्कोर बोर्डवर 17. खूप लाजवाब स्ट्रोक होता. आठवण करून दिली बीसीसीआयचे प्रेसिडेंट असलेले सौरभ गांगुली दादाची. प्रिन्स ऑफ बेंगॉल स्टाईलने बॉल पाठवला एक्स्ट्रा कव्हरला. 4 रन इथे मिळत असताना बॅट्समन अमोलच्या बॅटमधून सेन्सिबल इनिंग इथे पेश करतो आपल्या टीमसाठी. ऑन साईडला खेळलाय. बॅटच्या आतमधल्या कडेला लागून बॉल जातोय शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग फाईन लेगला. जोपर्यंत फिल्डर बॉलपर्यंत जातो 1 रन कम्प्लीट. दुसरा रनचा प्रयत्न आणि इथे तर मात्र मी म्हणेन रात्री चोरी झालीय. 2 रन इथे कम्प्लीट केल्या जात आहेत. जिथे 1 रन होती तिथे 2 रन कम्प्लीट झाल्यात. रन होत्या स्कोरबोर्डवर 19. अशा रन रोखाव्या लागतील. पहिलेच आपण 51 रनचं टार्गेट दिलंय. 21 बॉलमध्ये 32 रनची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत मैदानामध्ये अमोल आहे सर्व काही शक्य या मॅचमध्ये. 3 बॉलमध्ये 12 रनवर खेळतोय.
पुन्हा एकदा कव्हर्सला खेळून काढला, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आहे, तिथे मात्र फिल्डिंग चांगली होते, एक रन कंप्लीट केली जाईल अमोलकडून या सिंगल नंतर. रन पुन्हा एकदा स्कोरबोर्डवर, स्कोरबोर्ड हलत असताना 20 रन स्कोरबोर्डवर आहेत, 2 विकेटचं नुकसान होत असताना सलमान शेखचं हे षटक, 7 रन त्याने खर्च केलं, चांगली बॉलिंग केली आहे सलमानने, कारण पहिल्याच बॉलवर त्याला यश मिळालं होतं, बॅट्समनला त्याने आउट केलं होतं. आता स्ट्रायकिंग इनला खेळतोय बॅट्समन इंजमाम, नवीन बॅट्समन आहे, उंचपुरा बॅट्समन आहे, रन अपेक्षित आहेत त्याच्याकडून टीमला, बॉलर तयार सलमान शेख. बॉल हवेत खेळलाय, कदाचित नो मॅन्स लँड मध्ये हा बॉल पडेल का, परंतु इथे बॉलरने प्रयत्न चांगला केला, शर्तीचे प्रयत्न केले, परंतु अखेर त्याला आले अपयश, अशा कॅचेस चिकटतात हाताला फेविक्विक सारख्या, परंतु इथे मात्र झेल सुटला, तत्पूर्वी 2 रन इथे मिळतात, 2 रन इथे सलमान, माफ करा, इंजमामच्या खात्यामध्ये जातील, इंजमामचं खातं उघडते, रन होतात, स्कोरबोर्डवर 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, टीम कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणे. 19 बॉलमध्ये 29 रनची आवश्यकता आहे. अभि मांजरेकरने टॉस जिंकला, नेक्स्ट मॅचमध्ये फिल्डिंग करतील, 5 ओव्हरची ती मॅच होईल मिझबा हॉलिडेज कातळी विरुद्ध. हा बॉल अतिशय चांगल्या टप्प्यावर पीच होतोय, विकेट कीपरचा वेध घेतोय, अशा पद्धतीने ओव्हरची समाप्ती होते. दुसऱ्या 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आतापर्यंत 11 सरासरीने रन केलेले आहेत बॅटिंग करणाऱ्या कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणेने. रन झाल्या स्कोरबोर्डवर 22, विकेट गमावले 2. ऐकूया डीजे सुरभीचं चांगलं संगीत. एक्कावन्न रन करायचं वाशिक शेख मॅन फ्रॉम पुणे बॉलिंग मार्कवर तयार होईल. षटक क्रमांक 3 टाकण्यासाठी उंचीचा पुरेपूर फायदा त्याला करून घ्यावा लागेल या खेळपट्टीवर. पहिला बॉल पुन्हा एकदा कव्हरमधून खेळण्याचा प्रयत्न, बॅकवर्ड पॉईंटला दिशा दिली, एक रन कम्प्लीट करत असताना अमोल. जोपर्यंत मैदानामध्ये अमोल आहे तोपर्यंत ही मॅच आहे मी म्हणेन कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणेची. अमोलची विकेट जर काढता आली या मॅचमध्ये मयूर स्पोर्ट्स मुंबईला, तर एक दमदार कमबॅक होऊ शकतं त्यांच्या टीमचं, कारण अमोलचा खेळ आतापर्यंत पहा, मेरिटवर बॅटिंग करतोय, ज्या दिशेने बॉल टाकले जातात त्या दिशेने त्याच्या बॅटमधून स्ट्रोक येतात, जास्त जोखीम आतापर्यंत अमोलने घेतलेली नाही आहे. 17 बॉलमध्ये समीकरण बदललंय, 28 रनची आवश्यकता आणि इथे मात्र विकेट, बॅट्समन आउट होतोय, इंजमाम बॅक टू द पॅव्हिलियन, तिसरा झटका बसतोय 23 रनवर कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणेला, आणि हा झटका दिलाय वासिक शेखने. डीजे निकेत चाललाय, ह्याची देखील उंची चांगली आहे, वासिक शेखला प्रत्युत्तर तो देऊ शकतो हाईटने, परंतु क्रिकेटमध्ये बॅट आणि बॉलचं युद्ध असतं. या युद्धामध्ये पाहूया सरशी कोणाची होती, आतापर्यंत सरशी आहे वासिक शेखची, कारण त्याच्या खात्यामध्ये आहे विकेट. नवीन बॅट्समन गेल्या अनिकेत मैदानामध्ये, रन झाले स्कोरबोर्डवर 23-3. आता या मॅचमध्ये 16 बॉलमध्ये 28 रनची आवश्यकता आहे, 16 बॉल आणि 28 रन हे समीकरण मैदानामध्ये. मंडळाचे हितचिंतक आदरणीय समीर पवार सर यांचं आमच्या या आनंदवाडी ट्रॉफीमध्ये आगमन होते, त्यांचं सहर्ष स्वागत. ऑन साईडला दिशा दिली आहे, बॉटमॅनचा खूप चांगला वापर, बॅकलिफ्टला खाली ठेवलंय, मिडविकेट बाउंड्रीलाईनच्या दिशेने हा स्ट्रोक येतोय, एक रन कम्प्लीट, दुसरा रनसाठी प्रयत्न, 2 रन यशस्वीरित्या कम्प्लीट केल्या जातात. अनिकेतने खातं उघडलंय 2 रनने, समीकरण बदललंय, 15 बॉलमध्ये आता या मॅचमध्ये रन करायचे आहेत 26, रन होत्या स्कोरबोर्डवर 25, विकेट गमवले 3 कर्णवीर प्रतिष्ठानने. समीर पवार साहेब यांचं देखील आमच्या मंचावर आगमन होतंय, त्यांचं सहर्ष स्वागत आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाच्या वतीने. वासिक शेख ओव्हर नंबर 3 इन प्रोग्रेस, चांगली बॉलिंग करतोय वासिक. अनिकेत पुन्हा एकदा बॅटिंग करण्यासाठी तयार, हा बॉल कव्हर्सला उडवलाय, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मधून डीप मध्ये बॉल जातोय, एक रन कम्प्लीट करत असताना अनिकेत, चांगली फिल्डिंग तिथे होते, एक रन कम्प्लीट होते आणि या सिंगल नंतर रन झाले 26-26, 3 विकेटचं नुकसान.
14 बॉल मध्ये पुन्हा एकदा समीकरण बदललंय. 14 बॉल मध्ये 25 रनची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. प्रत्येक बॉल नंतर आस्किंग रन रेट, रिक्वायर रन रेट आता वाढतोय. हा पहिल्यांदा होता 10.20, आता झाला 10.71, मध्ये झाला होता 9.70. त्याचं कारण होतं पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आले होते 13, त्याच्यानंतर थोडंसं शांत क्रिकेट पाहायला मिळालं बॅटिंग करणाऱ्या कर्णवीर प्रतिष्ठानकडून. अमोल मैदानामध्ये आहे, अमोलसाठी हा बॉल थोडासा स्विंग होतोय, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघाला. चांगली बॉलिंग करत असताना वासिक शेख या ओव्हरमध्ये. आता मात्र पुन्हा एकदा रिक्वायर रन रेट वाढलाय, 11.54 सरासरीने ते रन करायचे आहेत. 13 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, 13 बॉलमध्ये 25 रनची आवश्यकता. हा बॉल खूप महत्वाचा आहे टीम मयूर स्पोर्ट्स मुंबईसाठी. या बॉलवर मोठा स्ट्रोक पाहिजे कर्णवीर प्रतिष्ठानला, या बॉलवर एखादी विकेट पाहिजे मयूर स्पोर्ट्स मुंबईला. असा दोलायमान अवस्थेमध्ये आलेला हा सामना आता मात्र आजच्या रात्रीतला एक महत्वपूर्ण सामना प्रेक्षक अनुभवत आहेत. 13 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, 25 रनची आवश्यकता. ऑन साईडला दिशा दिली आहे अमोलने, मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने गॅपमध्ये बॉल जातोय. फिल्डर येतोय एका हाताने बॉल अडवण्याचा प्रयत्न, 2-3 अटेम्प्ट लागले त्याचा फायदा इथे मिळत असताना बॅट्समन अमोलला. 2 रन इथे कम्प्लीट केले जातील. अशा पद्धतीने 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 12 बॉलमध्ये 23 रनची आवश्यकता आहे. 28 रन कम्प्लीट झालेत कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणेचे. 12 बॉल 23 रन, ऐकूया एक डीजेचं चांगलं संगीत. बारा बॉल मध्ये 23 रनची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. अमोल मात्र लक्ष्याच्या आडवा आहे टीमच्या दरम्यान. आपण विचार केला तर मयूर स्पोर्ट्स मुंबईच्या कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणेकडून खेळत असताना आतापर्यंत खूप चांगली बॅटिंग केली अमोलने, आणि आता मात्र बॉलिंग मार्कवर येतोय हर्षवर्धन सांगळे. ओव्हर नंबर 4 इन प्रोग्रेस, चौथं षटक टाकण्यासाठी हर्षवर्धन सांगळेच्या हातामध्ये बॉल सोपवण्यात आलेला आहे. टीमची कमान देखील त्यांच्या खांद्यावर सोपवली आहे संदीप कदम यांनी. पाहूया हर्षवर्धन आपल्या टीमला पराभवापासून वाचवेल का, हा एक विजय मोठा तो प्रस्थापित करेल का, असे अनेक प्रश्न आहेत मनामध्ये. 12 बॉलमध्ये 23 रनची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय अनिकेत, कोल्हापूरचा हा बॅट्समन. फुलटोस बॉल होता अनिकेतसाठी, मिस टाईम होतोय. बॉल हवेत आहे स्क्वेअर लेगला, फिल्डर खाली, खूप चांगली कॅच सूरजने पकडली आणि ते मात्र बॅट्समनला जावं लागेल अनिकेतला. पॅव्हिलियनच्या दिशेने आणखीन एक झटका बसतोय कर्णवीर प्रतिष्ठानला. हा चौथा हादरा 28-4. येतोय आता नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये. 11 बॉलमध्ये 23 रनची अजूनही आवश्यकता आहे. रिक्वायर रन रेट वाढलाय, 12.55 जाऊन पोहोचलाय हा रिक्वायर रन रेट. आता मात्र हात खोलावे लागतील बॅट्समन अमोलला. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 रन आले होते, परंतु त्यानंतर जर पाहिलं तर शांत ठेवले इतर बॉलर्सनी आता कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणे या संघाला. मयूर स्पोर्ट्स मुंबईच्या विरुद्ध कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणे अशी मॅच आहे. नंदू माळी आणि अमोल मैदानामध्ये आहे. स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय अमोल सध्या. 11 बॉलमध्ये 23 रनची आवश्यकता असताना अमोलने आतापर्यंत 7 बॉल फेस केले, 16 रनवर तो खेळतोय. त्याच्या बॅटमधून लाजवाब कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहिला, त्याच्या बॅटमधून एक षटकार आपण पाहिलाय. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत. 11 बॉलमध्ये 23 रनची आवश्यकता. ओव्हर द विकेट हर्षवर्धनचा हा बॉल ऑन साईडला दिशा दिली आहे, मनगटातली ताकद झोकली आहे. डीपमध्ये फिल्डर आहे, पुन्हा एकदा फंबलिंग, त्याचा फायदा इथे मात्र मिळवत असताना. 2 वेळेला खराब फिल्डिंग केली प्रशांत शुक्लाने, त्याचा फायदा मात्र होतोय बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. हर्षवर्धनचं हे षटक आता मात्र समीकरण बदललं. 10 बॉलमध्ये 21 रनची आवश्यकता. स्कोरबोर्डवर रन आहेत 30, 51 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग. 10 बॉल आणि 21 रन हे समीकरण. स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय अमोल, जो वैयक्तिक खेळतोय 18 रनवर. एज घेतली, परंतु इथे विकेट कीपर पर्यंत जोपर्यंत बॉल जाईल, आणि आता अंपायरचा इशारा येतोय नो बॉल.
अगदी योग्य निर्णय, कदाचित बेल्सला बॉल टाकत असताना हात लागलाय हर्षवर्धन सांगळेचा, बेल्स खाली पडली आणि नो बॉलचा इशारा त्या अंपायरने घोषित केलाय. नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. तर इथे अंपायरने रिव्ह्यू घेतलाय, टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा वापर इथे केला जाईल. जर बेल्स हवेने पडली असेल तर मात्र हा डॉट बॉल दिला जाईल. पाहूया एक्झॅक्ट घडलं काय, आपल्या मेगा स्क्रीनवर हा निर्णय आपल्यासमोर दिसेल. दुसरा अँगल आपल्या स्क्रीनवर येईल जो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोरचा कॅमेरा अँगल आहे. तर बेल्स ही हवेनी पडलेली आहे, चित्र स्पष्ट दिसतंय, त्यामुळे इथे रन मिळणार नाही आणि हा असेल डॉट बॉल. दहा बॉल मध्ये आता नऊ बॉल मध्ये आता 21 रनची आवश्यकता. नऊ बॉल आणि 21 रन हे समीकरण. नऊ बॉल आणि 21 रन, 30 वर 4 विकेट गमवलेत, नऊ बॉल मध्ये 21 रन इथे करायचे आहेत. 14 रिक्वायर रन रेट आता आपल्या समोर आहे. मैदानामध्ये स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय अमोल, ज्या अमोलच्या बॅट मधून आतापर्यंत 18 रन आलेत. कवर्सला खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे मात्र प्रयत्न फसलाय, अंपायरचा सिग्नल येतोय नॉट आउट, त्यामुळे अजूनही मैदानामध्ये खेळण्यासाठी तयार असेल अमोल. आणि आणखीन एक डॉट बॉल, 8 बॉल मध्ये 21 रनची आवश्यकता अजूनही आहे या मैदानामध्ये बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. अमोल खेळतोय स्ट्रायकिंग एंडला, 10 बॉल फेस केलेत 18 रनवर 180 स्ट्राईक रेटने, 15.75 सरासरीने आता रन करायचे आहेत कंप्लीट 8 बॉलमध्ये 21. हे दोन बॉल हर्षवर्धन सांगळेचे खूप महत्वाचे आहेत, 4 बॉलमध्ये फक्त 2 रन हर्षवर्धन सांगळेने आतापर्यंत खर्च केलेत बॉलिंग मार्कवर तयार होत असताना. ऑन साईडला दिशा दिली आहे लोअर फुलटोसला, डीप मिड विकेट बाउंड्रीलाईनच्या दिशेने फिल्डिंग चांगली होते. सलमान होता डीपमध्ये, सलमान शेखने बॉलिंग चांगली केली, फिल्डिंगमध्ये चांगला एफर्ट देत असताना अमोलला रन मिळेल फक्त 1. 7 बॉलमध्ये 20 रनची आवश्यकता, 7 बॉल आणि 20 रन हे समीकरण. शेवटचा बॉल असेल या ओव्हरमधला हर्षवर्धन सांगळेचा, स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय बॅट्समन नंदू माळी. यानंतर होणारी मॅच अभि मांजरेकर स्पोर्ट्स कणकवली आणि मिसबा हॉलिडेज कातळी. तयार राहायचं अभि मांजरेकर स्पोर्ट्स, आपण टॉस जिंकलाय, फिल्डिंगचा निर्णय घेतला, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या जवळ येऊन तुम्हाला डायरेक्टच मैदानामध्ये जायचंय. मिसबा हॉलिडेज कातळी कॉमेंट्री बॉक्सच्या लेफ्ट हँड साईडला तुम्हाला बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे, तिथे येऊन विराजमान व्हायचंय. ऑन साईडला पुन्हा एकदा दिशा देत असताना नंदू माळी, डीपमध्ये फिल्डर आहे, 1 रन कम्प्लीट होते, दुसऱ्या रनसाठी अमोलने कॉल केलाय, रन इथे कम्प्लीट केली जाईल का पाहूया. अंपायरचा इशारा येतोय, आतापर्यंत नॉट आउट, 2 रन इथे ऍड होतील टीमच्या टोटलमध्ये, समीकरण बदलतंय आणि आता 6 बॉलमध्ये 18 रनची आवश्यकता आहे. आमच्या मुख्य व्यासपीठावर मंडळाचे हितचिंतक समीर पावसकर यांचा सत्कार इथे केला जाईल, आनंदवाडी क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष गुरुनाथ तारी यांच्या शुभ हस्ते. मी विनंती करेन समीर पावसकर साहेबांचा सन्मान आपल्या मुख्य व्यासपीठावर आनंदवाडी क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष गुरुनाथ तारी यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय. आपल्या सरचे स्वागत. समीर पावसकर यांचा सन्मान आदरणीय गुरुनाथ तारी, समीर पवार यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे केला जातोय गुरुनाथ तारी यांच्या शुभ हस्ते.
अध्यक्ष आहेत आनंदवाडी क्रिकेट मंडळाचे, आनंदवाडी ग्रामस्थ मंडळाचे, आणि त्यांच्या शुभ उपस्थितीत इथे सन्मान होतोय आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. समीर पवार जे मंडळाचे हितचिंतक आहेत, नुकतंच त्यांचं आगमन झालं आमच्या मुख्य व्यासपीठावर, त्यांचा सन्मान इथे मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. यानंतरच्या मॅचसाठी आपण पाहतोय नॉकिंग सुरू आहे. शाहिद शेख, कृष्णा सातपुते इन ॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळतील. सुमित ढेकले, मोठी टीम यानंतर मैदानामध्ये उतरेल. टीमचं नाव आहे मिसबा हॉलिडेज कातळी. कृष्णा, लक्ष्मण सातपुते, सुमित ढेकले, शाहिद शेख या टीममध्ये खेळण्यासाठी तयार आहेत यानंतरच्या मॅचच्या दरम्यान. परंतु मैदानामध्ये जाऊया. सहा बॉलमध्ये अजूनही 18 रनची आवश्यकता आहे. शेवटचं षटक टाकण्यासाठी बॉलिंग माघार येतोय वासिक शेख. सहा बॉल आणि 18 रन, तीन षटकार ठोकले तर मॅच फिनिश असं समीकरण आहे. 18 रिक्वायर रन रेट जाऊन पोहोचलाय, 10.20 रिक्वायर रन रेट होता पहिल्या ओव्हरमध्ये, आणि त्यामुळे मी म्हणेन बॅटिंग थोडीशी खराब झाली आहे कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणेची. अमोलने एकाकी किल्ला लढवला, परंतु बाकी इतर फलंदाजांनी त्याला चांगली साथ दिलेली नाही आहे. 4 विकेट गमवलेत बॅटिंग करत असताना कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणेने. सहा बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. सहा बॉलमध्ये 18 रनची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय अमोल. हा बॉल टर्न होऊन पुन्हा एकदा मिड विकेट बाउंड्रीलाईनच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. बीट होतोय बॅट्समन, विकेट कीपरचा वेध घेतला जातो आणि हा येतोय डॉट बॉल. आता समीकरण बदललंय. 5 बॉलमध्ये 18 रनची आवश्यकता. वासिक शेखने काय बॉलिंग केली आहे. आतापर्यंत 7 बॉल त्याने टाकलेत. 7 बॉलमध्ये फक्त 6 रन त्याने खर्च केलेत. 1 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये. 5 बॉल 18 रन. हा बॉल देखील इनसाइड एज घेऊन जातोय शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने. फक्त 1 रन अमोलला मिळेल. समीकरण बदललं. 4 बॉलमध्ये 17 रनची आवश्यकता आहे कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणेला ही मॅच जिंकण्यासाठी. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 रन आले होते. असं वाटलं होतं की ही मॅच 4 ओव्हरमध्ये चेस केली जाईल, परंतु त्यानंतर काय कमाल बॉलिंग केली मयूर स्पोर्ट्स मुंबईने आणि मॅचमध्ये खूप दमदार कमबॅक झालं. त्याचमुळे हा सामना आता मात्र जवळपास मी म्हणतोय की झुकत चाललाय मुंबईच्या दिशेने. परंतु अजूनही शर्यत बाकी आहे. एज घेतल्यानंतर विकेट कीपरचा वेध घेतोय. आणखीन 1 विकेट जाईल वासिक शेखच्या खात्यामध्ये. आणि आता या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा समीकरण आहे. 3 बॉलमध्ये 17 रन. यस डीजे. थँक्यू डीजे, थँक्यू व्हेरी मच गजानन गुरव. नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये चाललाय. 3 बॉलमध्ये 17 रनची आवश्यकता असताना गजानन असेल स्ट्रायकिंग एंडला. प्रत्येक बॉल आता बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर हिट करावा लागेल, कारण समीकरण तसं येऊन ठेवलंय या टीमच्या समोर. कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणे. यानंतरची मॅच आहे अभि मांजरेकर कणकवलीच्या विरुद्ध मिसबा हॉलिडेज कातळीमध्ये. टॉस जिंकला अभि मांजरेकर स्पोर्ट्स कणकवलीने. टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय त्यांच्या वतीने घेण्यात आलाय मिसबा हॉलिडेज कातळीच्या विरुद्ध. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमला शुभेच्छा. लगेचच आपण तयारी करायची आहे या मॅचची. जशी मॅच संपेल तशीच आपली मॅच इथे सुरू होईल. 3 बॉलमध्ये 17 रनची आवश्यकता. भरपूर दूर जाऊन पोहोचलाय कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणे हा संघ. या मॅचमध्ये ऑन साईडला दिशा दिली आहे. डीप इंड विकेटला फिल्डर आहे. फक्त 1 रन इथे कम्प्लीट केली जाईल आणि दुसऱ्या रनसाठी प्रयत्न इथे होतोय. 2 रन इथे यशस्वीरित्या पूर्ण होत आहेत. 15 रन करायचे आहेत. फक्त 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 2 बॉल आणि 15 रन. 36-5 कर्णवीर प्रतिष्ठान पुणे. बॅटिंग थोडीशी खराब झाली, त्याचमुळे संदीप यांचं कौतुक व्हायला पाहिजे, त्यांच्या बॉलरचं कौतुक व्हायला पाहिजे. 51 रनचं लक्ष असताना देखील संघर्ष त्यांनी कायम ठेवला या मॅचमध्ये. चांगली झुंज दिली, विकेट घेत राहिले मैदानामध्ये, अमोलला ठेवलं, परंतु अमोलच्या बॅटमधून पहिल्या 3 बॉलनंतर काहीसे आक्रमक स्ट्रोक दिसलेले नाही आहेत. पहिल्या 3 बॉलमध्येच त्याने 12 रन कम्प्लीट केल्या होत्या, परंतु त्यानंतरच्या 10 बॉलमध्ये त्याच्या बॅटमधून फक्त 8 रन आलेले आहेत या मॅचमध्ये. 2 बॉलमध्ये 15 रनची आवश्यकता आहे. आणखीन एक चांगला बॉल पुन्हा एकदा अक्षरशः खोदून काढला मिड विकेटच्या दिशेने. हा स्ट्रोक तिथे फक्त 1 रन मिळेल. हर्षवर्धन सांगळे तिथे फिल्डिंगमध्ये होता. डीपमध्ये 1 रन कम्प्लीट होत असताना 1 बॉलमध्ये आता 14 रनची आवश्यकता. 1 बॉल आणि 14 रन हे समीकरण. मॅच आता जवळपास समाप्तीच्या मार्गावर आहे आणि यानंतर लगेचच मॅच खेळवली जाईल अभि मांजरेकर स्पोर्ट्स कणकवली आणि मिसबा हॉलिडेज कातळीमध्ये. सध्या 8,700 प्रेक्षक ऑनलाईन या स्पर्धेचा आस्वाद घेत आहेत. 8,775 त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत, कारण यानंतर कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, सुमित ढेकले, शाहिद शेख या मैदानामध्ये उतरताना दिसतील आपल्याला. बंड्या मैदानामध्ये खेळण्यासाठी तयार होईल.
तर कुठेही जाऊ नका, यानंतर मोठी फाईट आपल्या समोर. आणि हा स्ट्रोक चांगला आहे अमोलच्या बॅटमधून, एक्स्ट्रा कव्हरला चौकार येतोय, शेवट गोळ होतोय, परंतु हा सामना गमवावा लागतोय. 9 रनने हा सामना जिंकलाय मयूर स्पोर्ट्स मुंबईने, आणि मयूर